हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैं, तो इस वाले वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ सर को एंड इनके रेफरेंस को आज हम शेडिंग करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया था, अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस को एब्जॉर्ब करके जहाँ आपको डार्क शेडोज दिख रहे हैं वहाँ पर डार्क करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो इतना हो जाने के बाद आपको अभी ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करके आपको हर एक जगह पर आपको ब्लेंड कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड लेयर देना है। तो और एक बार हम ब्लेंडिंग ब्रश से हम हर एक जगह पर ब्लेंड कर देंगे। तो अब हम हाईलाइट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम रेफरेंस को ऑब्जर्व करके जहाँ लाइट एरिया है, जहाँ डार्क एरिया है, वहाँ पर भी हम पेंसिल से शेडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम करना है। लाइट एरिया भी अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी आपको ब्रश का यूज करना है। तो यहां पर मैं 8B ग्रिड की पेंसिल यूज कर रहा हूं। तो यहां पर अच्छी तरीके से आपको ब्रश से आपको ब्लेंडिंग कर लेना है। हर एक जगह पर आपको ब्लेंड करना है एंड फिर हम हाईलाइट ड्रॉ कर लेते हैं। एंड आई के लिए अब मैं चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ शेडो ड्रॉ करने के लिए। देन तो अभी मैं 10B का यूज कर रहा हूँ। उतना हो जाने के बाद अब मैं 8B से शेडिंग कर लेता हूँ। अब मैं हाईलाइट ड्रॉ कर लूंगा। एंड मैं आप 10B ग्रिड के पेंसिल से अभी ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आप रेफरेंस में देख सकते हैं ऊपर से जो डार्क शेडो है उसके लिए। यहाँ पर मैं 4B ग्रिड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। फिर अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद 8B एंड फिर मैं 10B का यूज़ कर रहा हूँ। फिर और एक बार हम ब्लेंड कर देंगे टिश्यू पेपर से।
लिप्स के लिए मैं पहले 4B का यूज़ करूँगा, अच्छे से शेडिंग हो पाए इसलिए। एंड उसके बाद 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। बियर्स में आपको रेफरेंस को एब्जॉर्ब करके एकदम अच्छे से आपको एक एक स्ट्रोक्स आपको ड्रॉ करते जाना है। एंड और एक बार आपको चारकोल पेंसिल का यूज कर लेना है डार्क ड्रॉ करने के लिए बियर्स। एंड हेयर के लिए भी आपको चारकोल पेंसिल का यूज कर लेना है एंड एक एक स्ट्रोक्स बस लगाते जाओ। एंड उसके बाद और एक बार आपको चारकोल पेंसिल का यूज कर लेना है डार्क ड्रॉ करने के लिए, जहां पर डार्क एरिया से वहां पर के लिए। तो ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है गाइस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूरी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।